हेलो दोस्तों, आपका अनुराग लैब 3M यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको किसी फोल्डर के अंदर के कंटेंट को डिलीट करने का तरीका बताऊंगा कि वो आप रिकवर भी नहीं कर सकते, इसका मतलब कि परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो मैं डेस्कटॉप पे एक अनुराग के नाम का एक फोल्डर है और मैं इस फोल्डर के अंदर एक टोनी के नाम की एक फ़ाइल बना रहा हूँ। ये एक नोटपैड की फ़ाइल है, टोनी के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है। ये आप सामने अनुराग के नाम का फोल्डर देख पा रहे हो। मैं रन पे जाता हूँ और यहाँ पे CMD कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँगा। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद में मैं कमांड डालता हूँ। अब ध्यान से देखेंगे, डेल स्पेस स्लैश, अब हम लोग यहाँ पे फोर्स के लिए F देंगे और स्पेस स्लैश Q डालेंगे, चूँकि हम क्वाइट करना चाहते हैं। इस फोल्डर को उठा के इसमें ड्रैग करेंगे, स्पेस डाल के ही ड्रैग करिएगा और एंटर पे हिट कर देंगे। हिट करते ही आप देखेंगे कि फोल्डर के अंदर का सारा कंटेंट हट चुका है, जो कि रिसाइकल बिन में भी नहीं गया है। थैंक यू।